हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास में हम लोग एनिमेशन का पार्ट को कवर करेंगे। तो अभी जो चल रहा था वो मॉडलिंग का पार्ट चल रहा था और यहाँ तक हमने मॉडलिंग का पार्ट को फिनिश कर लिया है और अभी जो है हम लोग एनिमेशन के पार्ट में एंटर करेंगे। तो फर्स्ट एनिमेशन के पार्ट में एंटर करने से पहले यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, हम लोग वहाँ पर इसको एक जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने ये सीन को क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पर मेटल पीपोर्ट शेडिंग मोड में आता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू कलेक्शन लेता हूँ। यहाँ पे न्यू कलेक्शन आ गया, इसको नेम दे देता हूँ मैं एसेट्स और बाकी जितना भी चीज़ को हमने तैयार किया है लेफ्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे तो ये सभी सिलेक्ट होगा। फिर लेफ्ट क्लिक करके और इस एसेट जो सेक्शन बना उसमें सभी को हम डाल देंगे और यहाँ से इस ट्री को लेफ्ट क्लिक करके और इसके अंदर यहाँ पर छोड़ देंगे तो इसके अंदर आ जाएगा। रोड को भी सेम इस तरह से यहाँ पर ले आके और एसेट वाले जो सेक्शन है इसमें हम सबको रखते जाएंगे। तो जब मैं इसको ऑफ़ करूंगा तो क्या होगा, सभी ऑफ़ हो जाएगा। इसलिए कर रहे क्योंकि हमें यहाँ पे एनिमेशन करने वाले तो इतने सारे ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं हमको, तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर लेता हूँ और फर्स्ट कैरेक्टर में अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये कैरेक्टर बहुत ही बड़ा है इसका हाइट इस सीन के अकॉर्डिंग, जबकि इसको छोटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है टारगेट आप छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने का बहुत सिंपल पार्ट है, अभी कंट्रोल टैब प्रेस करके हम ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और एस प्रेस करूँगा मैं ऐसे, तो क्या होगा ये कैरेक्टर इस तरह से छोटा हो जाएगा, देख रहे। तो एक्चुअल साइज में ये आ चुका है, तो इतना छोटा कर सकते हैं हम कैरेक्टर को। और अभी जो है हम यहाँ पर कंट्रोल जेड प्रेस करके उसी पार्ट में लेके चलते हैं जितना साइज है, तो बाद में हम छोटा कर लेंगे, आप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बाकी चीज़ को हाइड कर देता हूँ और सिर्फ इस पार्ट पे मेरे को वर्क करना है। तभी मैं यहाँ पे वॉक साइकिल तैयार करने वाला, तो इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 3 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं और मैं ये जो है इसको मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसको शॉर्टकट की को देख सकते हैं। तो एनिमेशन के पार्ट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एनिमेशन पैनल है इसको ऑन करना है, अदरवाइज आप इसको अभी फ़िलहाल ऐसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा, अगर मान चले आप में नहीं आता है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लेके जाएंगे कर्सर को तो यहाँ पे प्लस का आइकन दिखेगा। तो जैसे आप इसको लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर एक दूसरा पैनल विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जाके यहाँ पे टाइमलाइन दिख रहा है एनिमेशन के पार्ट में। तो इतना सारा पार्ट में एनिमेशन करते हैं तो हम लोग टाइमलाइन पे जाके और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो यहाँ पे की फ्रेम लगा है तो मैं डिलीट करता हूँ, ये पूरा क्लीन रहेगा। तो 24 फ्रेम का 1 सेकेंड होता है और अब मान के चलिए 250 का 10 सेकेंड हुआ, तो हम 2 सेकेंड का क्या करेंगे यहाँ पे एनिमेशन करेंगे। तो चलिए देखिए वॉक साइकिल कैसे तैयार करते हैं। तो ये वाला ओपन रहना चाहिए, हम दो विंडो को ओपन कर लेते हैं इधर से ताकि हम फ्रंट से यहाँ पे देखें और टी प्रेस करके इस टूल बार को साइड कर लेते हैं और ये फ्रंट से हो गया और ये हमारा साइड से हो गया। क्योंकि मेन मॉडलिंग तो कर लेते हैं, कैरेक्टर भी आप कहीं से ले लेंगे पर एनिमेशन में दिक्कत होती है, उसी पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। कंट्रोल टैब प्रेस करके पोज मोड में आएंगे, पोज मोड में आएंगे तो आपको दिखेगी इसको ब्लू कलर हो जाएगा जब इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम फिलहाल इसमें आते ताकि हमको क्लियर दिखे और यहाँ भी सॉलिड मोड में आ जाते हैं। इसलिए हमने रखा कि हम यहाँ से जब सेलेक्ट करेंगे तो हमको पता नहीं लग रहा है कि क्या करें। ओके, तो अभी क्या करना वो देखिए, इसको सेलेक्ट करना है और अभी एक्सेस मिरर है जो इसको ऑफ कर देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग पीछे कर रहे हैं और ये वाले को हम यहाँ पे आर प्रेस करके रोटेट कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे प्ले हो रहा है बटन दिख रहा, क्योंकि जब भी हम चलते हैं तो हमारा राइट पैर फर्स्ट ऑफ ऑल आगे जाता है और लेफ्ट पीछे रहता है, इसलिए अगर हम इस कैरेक्टर को इधर मूव करके देखें तो क्या हो रहा है, ये राइट पैर आगे गया लेफ्ट इसका पीछे गया, इस तरह से मैंने किया। ठीक है, और इसको हम लोग इसके लिए यहाँ पे रोटेशन टूल है ये ले लीजिए आप और यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस जो वाइट है वाइट इसको मूव करेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे और मूव कर देते हैं। जब हमारा राइट पैर आगे जाता है तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड है वो पीछे आता है,
तो यहाँ पे हम देखते हैं ये राइट आगे गया तो लेफ्ट हैंड क्या होगा इसका पीछे जाएगा। तो इसको सेलेक्ट कीजिए थ्री प्रेस करके, इसको थोड़ा पीछे मूव कर लेते हैं। और ये क्या हो रहा है, लेफ्ट पैर जो हमारा पीछे गया तो राइट हैंड क्या करेगा आगे जाएगा। तो राइट हैंड को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और थ्री प्रेस करके इसको ऐसे मूव कीजिए और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा ऐसे बैंड कर दीजिए ताकि ये चले तो लगे कि ये चल रहा है। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो जब ये हो जाए तो ए प्रेस करेंगे और याद रखिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेम वन पे रहेंगे यहाँ पे। और ए जब ए प्रेस करके सभी को सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे लोकेशन रोटेशन का जो टूल है यहाँ पे लोकेशन रोटेशन स्केल, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डायमंड कलर का कुछ डॉट्स दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि की लग चुका है। अभी हम इसको अगर स्क्रॉल करेंगे माउस के मिडल बटन को तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर और भी आपको फ्रेम्स दिखेंगे। तो हम 5 से 6 फ्रेम पे आ जाते हैं क्योंकि 5 का हम गैप देंगे इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 का गैप देखें तो 6 नंबर पे आ गए। अभी दूसरा जो तैयार करना वो देखिए हमको। ओके, तो इस सब को सिलेक्ट कर लीजिए, अल्ट आर और जी प्रेस कीजिए, कंट्रोल जेड। तो अभी क्या है, लेफ्ट पैर जो है हमारा क्या करेगा वो आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे वो देखिए कैसे करते, तो 6 फ्रेम पे आ चुके हैं। पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अल्ट आर और अल्ट जी प्रेस करेंगे तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इसको हम लेते हैं और रोटेशन टूल को लेके इसको थोड़ा यहाँ पे लेते हैं और इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं क्योंकि अब ये यहाँ से पैर रखने वाला है और चलने वाला है। ठीक है, जब ये हो जाए तो अभी क्या करने का है, जब आप देख रहे इसका जो जिस जो पैर हमारा नीचे रहता है तो क्या होता है बॉडी हमारा उसी साइड में झुका रहता है। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा बॉडी को ऐसे झुका देंगे। ठीक है, ऐसे इतना ही इतना, और गर्दन को थोड़ा ऐसे ताकि लगे कि मूवमेंट हो रहा है इसके अंदर। और ए प्रेस करके आई प्रेस करेंगे लोकेशन रोटेशन स्केल, तो यहाँ पे हम चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे जब गए तो क्या कर रहा है, ये इस पैर को ऐसे ले जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जा रहा है 6, फिर 5 का गैप देंगे तो 11 नंबर पे आएंगे और अभी ये क्या करेगा वापस पैर रख देगा। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है जो हमने फर्स्ट फ्रेम पे किया था ऐसे, तो सेम हमको यहाँ पे अपोजिट साइड में करना है। तो उसके लिए सिंपल है, फर्स्ट को क्लिक कीजिए कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। क्योंकि तो देखिए पहले पे क्या था, इसका जो राइट पैर था यहाँ पे वो आगे था और जब 11 पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है इसका लेफ्ट पैर आ गया क्योंकि हमने इसको फ्लिप जानते इसका उल्टा कर दिए। तो मैं इसको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, ये क्या कर रहा है, अब यहाँ से पैर उठा रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है इसको रख रहा है। ठीक है, और एन प्रेस करके मैं इसको यहाँ साइड कर देता हूँ और इसको मैं थोड़े यहाँ मूव कर लेता हूँ। तो अभी सब पोज तैयार हो गया, अभी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल बहुत इजी वे में सब काम हो जाएगा आपका। अभी ये क्या करेगा वो देखिए, यहाँ पे गया इसने लेफ्ट पैर को आगे किया अब रख दिया, अब फिर हम 5 का गैप देंगे तो 11 5 16, तो यहाँ पे आएंगे। अब ये क्या करेगा, जो वो राइट पैर है उसको वहाँ से उठाएगा। तो यहाँ पे देख रहे ऐसा हमने पासिंग पोज में इस तरह तैयार किया, तो 60 नंबर पे आके फिर से यहाँ पे आते हैं, इसकी को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, तो फिर से ये इस तरह से बन जाएगा। फिर 16 5 21 नंबर पे आते हैं और फिर इसको आगे की तरफ करना है, तो यहाँ पे देखते हैं ये है, और 21 नंबर पे आते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, तो इस तरह से तैयार हुआ। मैं थोड़ा अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे गया ये इस तरह से क्या किया, फिर इसने ये पैर को यहाँ पे रखा और फिर दूसरा
इसने इस पैर को यहाँ पे रखा तो 21 फ्रेम यहाँ पे तैयार हो गया है। और मैं यहाँ पे 21 करके इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो देख रहे हैं इस तरह से चल रहा है, बट इसका जो बॉडी है वो यहाँ से भी मूव होना चाहिए। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। फिलहाल ये यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 20 ही रखते हैं और अब चलाते हैं। तो चलिए हम 21 कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। और जब यह हो जाए तो अभी करने का क्या है वहाँ देखिए। तो 1 पे हम आते हैं और मूव और रोटेशन दोनों टूल को लेते हैं। जब हम फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं आप देखिए यहाँ पे कुछ करना है कि इसका पैर हमेशा एक्स एक्सिस पे, कहने का मतलब अर्थ पे रहना चाहिए। तो अर्थ को अभी हम फिलहाल बेस यही मान रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सभी को सिलेक्ट किए हुए हैं और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे बिल्कुल अर्थ पे लेके आ जाएंगे यहाँ पे। और मैं साइड से देखता हूँ तो आ चुका है। और यहाँ पे आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन टूल लगा देंगे। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे तो ठीक है, और थोड़ा मूव करके देखते हैं कि इसका पैर ऊपर ना चला जाए, यहाँ पे चल गया। और फिर नीचे धरती पे लेके आते हैं और फिर आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन, और फिर यहाँ पे मूव करके देखते हैं तो ये बिल्कुल अर्थ पे है। और फिर यहाँ से मूव करके देखते हैं तो ये ऊपर जा चुका है। तो फिर से हम इसको यहाँ पे नीचे धरती पे लेके आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, और आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन। अभी मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, ए प्रेस करके और टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है आपको। तो यहाँ पे बेजियर में अभी शायद ये है तो हम लीनियर कर देते हैं तो काम थोड़ा इजी होगा, स्मूथ चलेगा। तो ये है, अभी ऊपर से 7 प्रेस करके देखते हैं तो क्या कर रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो जस्ट ये कार्टून है, इस तरह से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अभी इसको फास्ट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और ये यहाँ पर 1 पे रहना चाहिए। और ए प्रेस कर सब सेलेक्ट कीजिए, एस प्रेस करके जैसे आप इसको मूव करेंगे यहाँ पे, मान चलिए हम यहाँ पे 10 फ्रेम पे रखते हैं और यहाँ पे इसको भी हम 10 करके एंटर प्रेस करते हैं तो यह क्या करेगा, तेजी से भागने लग जाएगा। तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और यह यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप तैयार कीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में।